उस पल में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर आया पिछले साल 23 अगस्त का दिन, चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने युवा पीढ़ी को एक नए जोश से भर दिया। इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है। आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्धियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सफलता भारत को मिली। एक ही मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश हमारा भारत है। चंद्रयान की सफलता के बाद भी आपने कई उपलब्धियां हासिल की। आपने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सुरक्षित रूप से अपने ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश ऐसा कर पाए हैं। 2024 को शुरू हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं, इतने कम समय में ही आपने एस्पोसैट और इनसेट 3DS जैसी सफलता हासिल की है। साथियों, आप सभी मिलकर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। 10 वर्ष पहले पूरे देश में मुश्किल से एक या दो स्टार्टअप थे, आज इनकी संख्या 200 पार हो चुकी है। इनमें से अधिकांश स्टार्टअप्स युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं।
आज इनमें से कुछ लोग हमारे बीच भी मौजूद हैं। मैं उनके विजन, उनके टैलेंट और उनकी उद्यमिता की सराहना करता हूं। हाल ही में हुए स्पेस रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर को नई गति दी है। पिछले हफ्ते ही हमने स्पेस में एफडीआई पॉलिसी भी जारी की है। इसके तहत स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है। इस रिफॉर्म से दुनिया के बड़े बड़े स्पेस संस्थान भारत आ पाएंगे और यहां के युवाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। साथियों, हम सबने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है और स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है, सबको लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। खेती में फसल की देखरेख हो, मौसम की जानकारी हो, साइक्लोन और दूसरी आपदाएं हो, सिंचाई के साधन हो, गाड़ी चलाने में मदद करने वाली मैप हो, ऐसे अनेक काम सैटेलाइट डेटा से ही होता है। भारत के लाखों मछुआरों को नाविक द्वारा सटीक जानकारी मिलने के पीछे भी स्पेस की ताकत है। हमारे सैटेलाइट्स हमारे बॉर्डर को सेफ रखने में भी मदद करते हैं, तो दूर सुदूर इलाकों में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में भी वो भरसक मदद करते हैं। इसलिए विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की, इसरो की, पूरे स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। टीम गगनयान को विशेष रूप से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।